सायमा नूर 8 साल की थी जब उन्हें कश्मीर लाया गया था। ना तो इन्हें अपने माँ बाप की खबर है, ना ही इन्हें अपने घर का पता है। आज ये SMHS के रूम नंबर 6 में रहती है। इनसे इनकी कहानी जानते हैं। सायमा जी, आप हमें अपनी लाइफ के बारे में बताइए कि आप कश्मीर कैसे आए। मैं बेंगलोर में 5 साल की थी जब मैं माँ बाप से मिसिंग हो गई थी। फिर मुझे लिया कश्मीरी लोगों ने लिया, उन्होंने अपने पास रखा जब तक थोड़ी बहुत बड़ी हो गई। फिर उन्होंने मुझे कश्मीर भेजा। फिर कश्मीर में उनके पास मैं रही 1-2 साल 3 साल तक रही। फिर उसकी जो बहू थी उसकी फ्रेंड ने बोला कि मुझे ये मेरा बेटा हुआ है तो मुझे केयर टेकर चाहिए अपने बेटे के लिए, तो उसने मुझे उन्हीं को दे दिया। तो फिर मैं उन्हीं के पास थी 19 साल थी बराबर। 2010 में मैं बीमार हो गई, मुझे रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, क्वेश्चन पर छाना रिहार। तो फिर बाद में उन्होंने बहुत इलाज किया, मैं बोलूँगी उन्होंने नहीं किया, बहुत किया। ऑपरेशन आया, हिप रिप्लेसमेंट की, सब कुछ हुआ। फिर धीरे धीरे मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती गई। तो फिर मैं वहाँ से निकली तो फिर मैं SMHS हॉस्पिटल आई। यहाँ पर SMHS हॉस्पिटल में डॉक्टर अब्दुल खालिक रिहार के डॉक्टर थे, वो उन्हीं के अंडर मैं यहाँ पर थी। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैंने उनको अपनी स्टोरी बताई तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तो मैं इलाज करता हूँ, पैसों के रंग बहके न करित के अंतर बाकी सब मैं करूँगा। तो फिर उन्होंने यहाँ पर एडमिट किया मुझे। यहाँ पर सब डॉक्टरों को जिम्मेदारी दी कि जब तक ये यहाँ पर है इसका आप लोग ख्याल रखोगे, इलाज करोगे। फिर उसके बाद 1 साल के बाद मुझे यहाँ पे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने बोला आप यहाँ पे क्या कर रही हो, यहाँ से निकलो, बैठे बैठे आप जूस पी रही हो। तो फिर सारे जो ये यहाँ के सुपरवाइजर्स मैम थी उन्होंने बोला कि ये बीमार है, ऐसे इसको कैथेटर लगा के है, ये कहाँ जाएगी, ये चल नहीं सकती है। तो फिर बोला कि फिर क्यों इसको डिस्चार्ज दिया है डॉक्टर ने। तो बाद में किया काम, मेरी फ्रेंड है तो वो भी NGO में काम करती है, उसने फिर जाकर DC को बताया, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर जो है उनको बताया, तो उन्होंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर लिख के दिया कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट पे ये सब कुछ कि वही देखेंगे अब जब तक इसको कोई और जगह इंतजाम हो जाएगा, केयर टेकर वेयर टेकर सब कुछ मिलेगी, कमरा वामरा मिलेगा, उसके बाद ये जाएगी, ये तब तक ये यहीं पर रहेगी। तब से लेकर अब तक मैं यहीं पर हूँ। 2019 में मैंने पेंटिंग शुरू की। अगर हम बात करें हॉस्पिटल अथॉरिटीज की, कैसा रवैया है उनका आपके साथ? उनका रवैया तो ठीक ही है, खास भी नहीं है, ठीक ही है। उनको मुझे लगता है कि अब कमरा उनका बिजी है, इस वजह से शायद उनको थोड़ा बहुत गुस्सा भी है कि मैंने कमरा बिजी रखा है, सारा कुछ सामान है मेरा यहाँ पर, और आप बताएं मैं जाऊँ भी कहाँ, मेरा है भी नहीं कोई यहाँ पर जिसके पास मैं जाऊँगी। फ्रेंड्स है, कभी कभी उनके घर जाती हूँ, लेकिन सारा सामान लेके तो नहीं जा सकती, जाऊँगी कहाँ? अगर मुझे गवर्नमेंट नहीं हेल्प करेगा तो फिर कौन करेगा? क्योंकि इस वक्त सब बोलते हैं कि मैं तो पैरालाइज्ड हूँ, मैं चल नहीं पाती हूँ, कुछ भी नहीं, एक ही जगह बैठी होती हूँ। अपने रोजगार के लिए पेंटिंग्स जब मैंने स्टार्ट की, मैंने सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि बिजी रहूँगी मैं उसके साथ। मैंने उस वक्त ये दिमाग में नहीं लाया था कि मुझे पैसे कमाने हैं, कुछ भी नहीं, मैंने अपने बिजी के लिए किया था। तो फिर मैंने जब स्टार्ट किया, मुझे फ्रेंड्स बोलने लगे तुम पेंटिंग अच्छी बनाती हो, तुम बेचो। फिर मैंने इसकी एडवर्टाइजिंग बहुत लोगों ने करवाई, मेरी एडवर्टाइजिंग खुद तो फेस्टिवल में मुझे ये सर्टिफिकेट मिला, वहाँ पे भी मेरा एग्जीबिशन था, शुक्र खुदा का वहाँ पे भी अच्छा हुआ। अगर हम आपकी स्ट्रगल्स की बात करें, कितना मुश्किल है एक डिसेबल्ड पर्सन का एक ऐसी सोसाइटी में मतलब रहना जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, और आपकी हालात से तो हम बाखबर है कि कितना मुश्किल है सर्वाइव करना यहाँ? वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा। इंसान जब मैं बीमार पड़ूंगी तो उन्हीं को कॉल किया करूंगी, क्योंकि यहाँ पर
कोई नहीं आता है। मुझे फिर रात के 9:30 बजे कैजुअल्टी जाना पड़ा, मेरी इतनी हालत खराब हो गई थी। मेरे पास वो चिट्ठी भी है जहाँ पर लिखा हुआ है बीमार मैं हो गई थी। तो उससे पहले भी मैं बीमार हुई थी, तब भी मैंने डॉक्टर को भेजा था एक आदमी को लाने के लिए, तो उन्होंने तब भी यही बोला कि ये किसी के एनजीओ के अंडर है, हम इसको कुछ नहीं कर सकते। मुझे फिर बताएं, आए मेरे सामने बताएं मैं किस एनजीओ के अंडर, मैं उन्हीं को कांटेक्ट किया करूंगी। साइमा ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर से गुजारिश की है कि उसे एक रूम अलॉट किया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सके। मैं सदर शबीफ और हिम्मतों के साथ डेली रोशनी के लिए।